प्रेसिडेंट पुतिन की वैश्विक तबाही की धमकी के बाद नाटो फोर्स ने एटमी हथियार निकाल लिए। अमेरिका के परमाणु बम वर्षक यूरोपीय देशों से मंडरा रहे हैं और एटम बम बरसाने वाले हथियारों के साथ नाटो फोर्स 30 अक्टूबर तक युद्ध अभ्यास करेगी। उधर रूस में परमाणु युद्ध की तैयारियां शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति पुतिन के ऑर्डर पर रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। यूरोप में बना परमाणु युद्ध का माहौल कितना गंभीर है, इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इसे समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी है। अब विनाश सिर्फ यूक्रेन में नहीं होगा, यूरोप के देशों में परमाणु खतरा, वैश्विक तबाही का अल्टीमेटम, यूरोप को हाफ कर देंगे पुतिन। प्रेसिडेंट पुतिन धुन के पक्के हैं, दावे को सच कर दिखाते हैं, सिर्फ धमकी नहीं धमाके कर दुनिया दहलाते हैं। उन्होंने नया प्रण लिया है। पुतिन ने अमेरिका का घमंड चूर चूर करने का ऐलान किया है। इसके लिए अब उन्हें चाहे एटम बमों का पूरा गोदाम ही क्यों ना बर्बाद करना पड़े। मगर हैरानी की बात यह है कि इस दफे पुतिन से ज्यादा नेटो फोर्स एटमी युद्ध को उतावली नजर आ रही है। नाटो फोर्स भी न्यूक्लियर हथियारों का जंगी ट्रेलर यूरोप में दिखाने जा रही है। इसे क्या समझा जाए, क्या परमाणु युद्ध का सायरन बजा? पुतिन ने एटमी हथियार निकाले, नाटो फोर्स एटम बम के साथ आई, यूरोप में होगी न्यूक्लियर टक्कर। अब अमेरिका से भिड़ेगा रूस, तीसरे विश्व युद्ध के गुट बने। हो गई मुनादी, बैटल फील्ड में आ गए फौलादी। इस बार युद्ध के हथियार वैश्विक तबाही के हैं। वो बम जो फटता है तो त्राहिमाम मच जाता है, जिसके जद में आने पर इंसान भाप बन जाता है। धरती पर प्रलय लाने वाले हथियारों की नुमाइश शुरू हो चुकी है। रूस न्यूक्लियर मिसाइल दिखा रहा है, तो नाटो फोर्स न्यूक्लियर बमों के गोदाम का गेट खोलकर बैठी है। आखिर यूक्रेन युद्ध में ऐसा क्या हुआ, क्यों सीधी लड़ाई में अमेरिका उतरने को बेताब है? जानेंगे इस भयानक माहौल को किसने हवा दी, क्यों पुतिन का गुस्सा भड़काया गया, क्यों नाटो फोर्स भी फुल फॉर्म में आ गए। मगर उससे पहले जानते हैं रूस इस बार परमाणु हमले के लिए किस कदर सीरियस है।
रूस में एटमी युद्ध की तैयारियां शुरू। फ्रंट पर एयर डिफेंस जैमर, संयुक्त टास्क फोर्स तैनात, रूस को अभेद्य किला बनाया। जिस दिन का इंतजार कर रहे थे पुतिन, इतनी भीषण लड़ाई जिस वजह से लड़ी जा रही है। रूस को अमेरिका को सबक सिखाने का वो बहाना मिल गया है। आखिरकार उस मोड़ पर प्रेसिडेंट पुतिन पहुंच ही गए जहां अब मुकाबला सुपर पावर से है। यूक्रेन युद्ध का क्लाइमेक्स भी शायद अब करीब है, क्योंकि एटम बम ब्लास्ट होने लगेंगे तो युद्ध का नतीजा निकलने में देर नहीं लगेगी। न्यूक्लियर युद्ध को टालना अब नामुमकिन है। प्रेसिडेंट पुतिन की धमकी सच साबित हो सकती है, जिसमें उन्होंने वैश्विक तबाही का अलर्ट दिया है। Вы знаете, что вчера председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин доложил о первых результатах расследования диверсии, совершенной на Крымском мосту. Данные криминалистической и других экспертиз, а также оперативной информации говорят о том, что взрыв, устроенный 8 октября, это террористический акт. पुतिन की बातों से साफ है कि रूस से जो अब टकराएगा उसे एटम बमों से बेदम कर दिया जाएगा। लेकिन पुतिन को भड़काने वाला इतना बड़ा जोखिम क्यों मोल ले रहे हैं? क्या परमाणु युद्ध में रूस की कोई कमजोरी का पता अमेरिका और यूरोप को मालूम चला है? पहले जानते हैं एटमी वॉर की टाइमिंग क्या हो सकती है, किन न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग की जा रही है। नेटो फोर्स स्टीड फास्ट नून युद्ध अभ्यास शुरू करेगी। जंगी रिहर्सल में परमाणु युद्ध का अभ्यास किया जाएगा। नेटो के 14 देश इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इस वॉर ड्रिल में 60 लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे, जो बेल्जियम, उत्तरी सागर और ब्रिटेन के ऊपर उड़ान भरेंगे। नेटो फोर्स की परमाणु वॉर ड्रिल रूस से सिर्फ 1000 किलोमीटर दूर होगी। ये बहुत ही रिस्की है। रूस के इतने करीब नेटो की न्यूक्लियर रिहर्सल पुतिन को भड़काने के लिए काफी है। लेकिन इससे भी बड़ा संकट यह है कि ये युद्ध एक या दो दिन का नहीं, अक्टूबर महीने के आखिरी हफ्ते तक चलेगा। इस बीच नेटो फोर्स का एक गलत कदम न्यूक्लियर युद्ध भड़का सकता है। युद्ध का खतरा इसलिए भी बताया जा रहा है क्योंकि नेटो फोर्स के अभ्यास में जंगी जेट के साथ महाविनाशकारी बॉम्बर भी शामिल होगा। अमेरिका ने जिस बॉम्बर को रूस के करीब उड़ाने की जरूरत दिखाई है, उसे भी जानी। यह अमेरिका का यूएसएस B-52 स्ट्रेटो फोर्टिस बम वर्षक है। यूएस B-52 बम वर्षक विमान ने पहली उड़ान 1950 के दशक में भरी थी। B-52 बॉम्बर एक बार में 70,000 पाउंड के पेलोड को लेकर 12,874 किलोमीटर तक की दूरी तक उड़ान भर सकता है। ये बॉम्बर अपने एक हमले में किसी बड़े शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। ये बॉम्बर परमाणु बम गिराने की भी ताकत रखता है। B-52 बॉम्बर को अमेरिकी वायुसेना के सबसे बड़े लड़ाके का खिताब दिया जाता है। हाल ही में इस बॉम्बर ने अफगानिस्तान युद्ध में कहर बरपाया था। तालिबान ने जब जावजान की प्रांतीय राजधानी शेबरगंज शहर पर कब्जा कर लिया था, तब अमेरिका ने B-52 से बमबारी की थी। अमेरिका के उस हवाई हमले में 200 तालिबानी मारे गए थे। वहीं 100 से ज्यादा वाहन, बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बर्बाद हुआ था। B-52 को अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के दौरान भी कई दफे रूस के करीब भेजकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया है। बीते अगस्त महीने में अमेरिकी बॉम्बर का बारूदी अवतार स्वीडन में दिखा था। स्वीडन के नॉरबॉटन काउंटी में अभ्यास के दौरान यूएस B-52 स्ट्रेटो फोर्टिस बम वर्षकों ने फायरिंग रेंज में स्थित लक्ष्यों पर बम गिराए थे। स्वीडिश धरती पर इस तरह का अभ्यास पहली बार किया गया था। उस अभ्यास में अमेरिका के 2 B-52 बम वर्षकों ने हिस्सा लिया था, जिनकी हवाई सुरक्षा में स्वीडिश वायुसेना के साथ JSS-39 ग्रिपेन लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया था। B-52 ने कुल 3 बम गिराए, जिन्होंने पहले से निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हिट किया। अमेरिका अपने बॉम्बर को बार बार रूस के नजदीक ले जाकर ये साफ कर रहा है कि उसे रूस को निशाना बनाने में वक्त नहीं लगेगा। उधर रूस भी इस खतरे को भांपते हुए न्यूक्लियर हमले से निपटने की तैयारी कर रहा है। इस तस्वीर में रूसी सोल्जर के पीछे दिख रहा हेलीकॉप्टर उसी तैयारी का हिस्सा है। ये रूस का अत्याधुनिक Mi-8 MTPR-1 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है। यूक्रेन मोर्चे पर ऐसे हेलीकॉप्टरों की तैनाती कर दी गई है।
मी 8 MTPR 1 की EW प्रणाली 100 किलोमीटर दूर दुश्मन की शनाख्त कर लेती है। इस हेलीकॉप्टर का सेंसर सिस्टम बहुत मजबूत है। इसका सिस्टम रेडियो फ्रिक्वेंसी आधारित हथियार प्रणालियों का मुकाबला करते हैं। ये हेलीकॉप्टर ड्रोन, जमीनी वाहनों और नौसेना के जहाजों की रक्षा के लिए बनाया गया है। रूस की सेना इस फाइटर हेलीकॉप्टर को जंग के दौरान कई बार मोर्चे पर ला चुकी है, लेकिन इस बार मामला बेहद सीरियस है, क्योंकि न्यूक्लियर युद्ध का राग एक तानाशाह भी अलाप रहा है। ये कोई और नहीं, प्रेसिडेंट पुतिन का जिगरियार बेलारूस का तानाशाह लुकाशेंको है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को रूस को अलग थलग नहीं करने की चेतावनी दी है। लुकाशेंको ने साफ किया है कि पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लुकाशेंको ने बेलारूस की समाचार एजेंसी को इंटरव्यू देकर रूस को हाशिए पर धकेलने की साजिश को दुनिया के लिए खतरा बताया है। लुकाशेंको की इन बातों को बाइडेन समेत यूरोपीय लीडर बेहद गंभीरता से ले रहे हैं, जिसमें लुकाशेंको ने कहा, रूस ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। भगवान न करें कि किसी रूसी क्षेत्र पर कोई हमला हो। यदि ऐसा होता है तो रूस सभी प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। हम पुतिन के सैन्य फैसलों में कोई दखल नहीं देंगे। लेकिन उनके इन बयानों ने हालात की गंभीरता को साफ किया है। लुकाशेंको की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब ज़ेलेंस्की फास्ट ट्रैक से नाटो की सदस्यता की डिमांड कर रहे हैं। रूस ये पहले से साफ कर चुका है कि यूक्रेन का नाटो सदस्य बनना तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। इसे इसलिए भी तय माना जा रहा है क्योंकि रूस और अमेरिका में बातचीत की संभावना ना के बराबर बची है। हाल ही में पुतिन ने ये बयान देकर दुनिया को आगाह किया है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की जरूरत नहीं समझते। जाहिर है, जब युद्ध का खात्मा बात से नहीं होगा तो नौबत क्या आनी है। अमेरिका और रूस में युद्ध की शुरुआत हुई तो सर्वनाश तय है, क्योंकि दोनों देशों के न्यूक्लियर हथियार इस धरती को बर्बाद करने के लिए काफी हैं। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो 45 मिनट के भीतर 31 लाख लोगों की जान जाएगी। युद्ध के पहले कुछ घंटों के भीतर कुल 900 लाख लोग मारे जाएंगे। वहीं स्विट्जरलैंड की एजेंसी इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन के मुताबिक एक परमाणु बम विस्फोट में लाखों लोगों की मौत हो सकती है। वहीं अगर 10 या सैकड़ों बम गिर गए तो ना सिर्फ लाखों करोड़ों मौतें होंगी बल्कि धरती का पूरा क्लाइमेट सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। We must demand the immediate negotiation of a peaceful end to the war in Ukraine or we will end up in World War 3 and there will be nothing left of our planet all because stupid people didn't have a clue. They don't understand what they're dealing with, the power of nuclear. They have. आधुनिक दौर का परमाणु युद्ध महाविनाश का ऐसा तांडव होगा जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। परमाणु युद्ध के इस अंजाम को जानते बूझते हुए भी इसकी धौंस जमाई जा रही है। गनीमत इतनी सी है कि अब तक न्यूक्लियर हथियारों को सिर्फ धमकाने और धौंस जमाने भर के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। जिस दिन इसके धमाके शुरू होंगे, अफसोस जताने वाले भी नहीं बचेंगे।